नमस्कार दोस्तों, बेंगलुरु ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज का ट्रेडिंग दिन कैसा रहा, हमारा बेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप का चैनल का कमल कैसा रहा है, यहाँ पे तिरुमलाई केमिकल्स हम दिए थे 225-245 बाई रेंज में, ये 241 में खुला और यहाँ पे 242 में आप एंट्री किया तो भी बहुत शानदार होता। उसके बाद सूर्या रोशनी हम दिए 640-660, ये भी अच्छा खुला और खुल के कमाल कर दिया। ये तो कोई ऑप्शंस का भी ये बहुत कम पड़ गया, ऑप्शंस भी बहुत अच्छा चला लेकिन कॉल्स सेफ है, जो कैश कॉल्स आप करते हैं वो सेफ है, वो भी बहुत बढ़िया चला। ओके, हम निफ्टी पी दिए थे 105 में एंट्री दिए थे, टारगेट भी छोटा छोटा टारगेट दिए थे, स्टॉप लॉस भी दिए थे छोटा वाला, लेकिन उसका बाद इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे ओनली 105 के बाद लेना है। ठीक है, ऐसा टाइमली इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिलता है। ये पॉली कैप था, ये 80 में दिया था 2600 CE, ये 84 से भी ऊपर गया, 87 तक गया था शायद। तो नीचे देखते हैं, हिकल जो हम कॉल दिए थे वो चला नहीं, वो थोड़ा नीचे चलता हुआ दिखा इसलिए एग्जिट बोला, लेकिन वो बहुत दिनों के बाद वापस आएगा। सो ज़्यादा दिन होल्ड किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक हो जाएगा, इसीलिए उसको हटाने को बोल दिया। सो ये देखिए, 1 बजे तक यहाँ पे आपको 173.75 में पहुँच गया था। ओके, जो पी कॉल हम सुबह दिए थे, ओके, वो 105 क्रॉस होने से भी बाई करना था क्योंकि वो लेवल था, अगर उसके नीचे तो बहुत रिस्की पड़ जाता। ओके, सो 74 तक गया, 105 क्रॉस नहीं किया जब हम दिए, लेकिन जब 105 क्रॉस किया तो यहाँ पे फायर उड़ गया ऊपर। तिरुमलाई केमिकल्स और रोशनी जो कॉल दिए थे, सूर्य रोशनी, उसका कॉल का हम नीचे दिखाते हैं क्या परफॉर्मेंस है। देखिए यहाँ पे हम जो टारगेट दिए थे 2 to 4 days एक ही दिन में अचीव हो गया। ओके, 274 तिरुमलाई केमिकल्स में आ गया और सूर्य रोशनी में जो 740 का हमारा टारगेट था वो 776 तक पहुँच गया। ओके, और टाटा स्टील का ये जो पी दिया था, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ। होता रहता है, कोई ऐसा भगवान नहीं रहता कि हर कॉल आपको प्रॉफिट ही दिलाए। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, जो प्रॉफिट होगा वो आपके साथ ही रहेगा। जो हमारा दोस्त ये हमारा साथ काम कर रहा है कि हमारा अकाउंट से ओपन किया था, सो एक ट्रायल किया जीरोदा में कैसा काम करना, एक चेक किया और उसके बाद हमारा दोस्त लोगों का और मेरा, ये मेरा खुद का ट्रेड है 4143। आज बैंक निफ्टी निफ्टी में कॉल नहीं किया, सॉरी काम नहीं किया, इसलिए थोड़ा कम प्रॉफिट। और हमारा सिप्ला कॉल कल हम दिए थे, वो एवरेज करके होल्ड करके गए थे हमारे दोस्त ने, वहाँ पे 14508 प्रॉफिट बना दिया। ये भाई सब किस में काम किया हमको बताया नहीं, लेकिन 1836 स्क्रीनशॉट भेजा है। ओके, हमारा जो ऑप्शन कॉल का पैकेज है 3000 रुपीज़ का, या ऑप्शन और इक्विटी का पैकेज है 3999 का, ऑप्शंस इक्विटीज और कमोडिटीज़ जो कॉल है 5000 का। सो ये सब आपका वो पेड ग्रुप जो BTZ प्रीमियम हमारा ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप का चार्जेस है। अगर चार्जेस नहीं भरना है, फ्री ऑप्शन कॉल और इक्विटी कॉल आपको पाना है, तो हमारा अंडर आप जीरोदा अकाउंट ओपन कर दीजिए, आपको ये कॉल्स मुफ्त में मिलेगा 1 साल तक। ओके, यहाँ पे हमारा साथ आप जीरोदा अकाउंट ओपन करके, डीमैट अकाउंट ओपन करके, हमारा रेफरल लिंक थ्रू, जो रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वो लिंक थ्रू ओपन करके एक्टिव ट्रेड करना है। ओपन करके सिर्फ छोड़ दिया तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो ऑफ़र आपको अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन प्रीमियम कॉल ग्रुप में आपको शामिल किया जाएगा और 36,000 रुपीज़ का ये ऑफ़र आपको 1 साल तक फ्री में दिया जाएगा, सिर्फ आप उस अकाउंट में एक्टिव ट्रेडिंग किए तो। एक्टिव ट्रेडिंग नहीं किए तो आपको वहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस के साथ। निफ्टी का एक चार्ट देख लेते हैं, क्या धमाल हुआ निफ्टी में। सुबह सुबह ही एक गैप, ये जो रेंज बना था कल, इसको गैप अप में तोड़ दिया और 17,700 जो लेवल था उसको भी गैप अप में तोड़ दिया और वहाँ पे ओके एक कंटिन्यूस रैली बना करीब करीब 17,800 तक जाके, 17,790-792 तक जाके वहाँ से सेलिंग शुरू हो गया। ये जो प्रॉफिट बुकिंग था, ये मार्केट का क्रैश नहीं है, ये देख सकते हैं बार बार यहाँ पे अटक के मार्केट साइडवेज चल रहा था, उसके बाद भी थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर उठ के साइडवेज क्लोज हुआ है। ओके, कल का क्लोजिंग का लेवल से थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बर्बाद हो जाएगा। देखिए ये हमारा कर्जा में कभी कभी मूव करता हो कर्जा,
वो लेवल आप ध्यान दीजिए, जो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है आज करीब करीब 17,600 लेवल में क्लोज हुआ है, या उसके नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ है एडजस्टमेंट के बाद। ओके, आपका पहला रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा अगर मार्केट ऊपर जाना है तो? ये रेजिस्टेंस आपको पहला रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा 17,630-640। ओके, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, और उसका ऊपर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, 16,660 या 680 ये लेवल में, और सीधा ऊपर 17,700 जो गैप अप में ब्रेकआउट देके अचीव करके ऊपर गया था वो लेवल इमीडिएट हमको रेजिस्टेंस बनेगा, और 17,750 भी रेजिस्टेंस बनेगा, और आज का हाई यानी ऑल टाइम हाई 17,790 या 17,800 एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर आपको रेजिस्टेंस देते हुए नज़र आएगा। सपोर्ट का बात करें तो नीचे अगर चलना शुरू कर दिया, कुछ ग्लोबल संकेत नीचे आ गया, मार्केट यहाँ पे 17,570-17,560 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। गैप डाउन में अगर ये तोड़ दिया तो 17,550 या आज का लो 17,540 ये क्रूशियल लेवल रहेगा, 540-530 ये लेवल अगर गैप डाउन में आके टच करके ऊपर जा रहा है तो मार्केट फिर से ऊपर रैली करेगा, रेजिस्टेंस लेके थोड़ा थोड़ा रुक के रैली करेगा, साइडवेज चला गया मार्केट मंडे भी क्योंकि प्रीमियम एरोजन करना है। उसके बाद हमको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 17,520, सो उसके नीचे अगर हमको सपोर्ट चाहिए तो 17,500, उसके नीचे भी मार्केट चला गया तो 17,490, उसके नीचे मार्केट चला गया तो सीधा हमको मिलेगा 17,460 लेवल, उसको भी तोड़ दिया तो 17,450 आपको जो ब्रेकआउट जोन था वहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट देते हुए मार्केट नज़र आएगा। सो 17,400 तक भी मार्केट जा सकता है, देख के काम करना है क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या करता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है, एट दी मनी, इन दी मनी और आउट दी मनी में बात करते हैं। सो 17,600 जो है यहाँ पे 36,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है और 65,700 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट साइड में खड़ा हुआ है। सो पुट रेटिंग यहाँ हुआ है और थोड़ा सपोर्ट देने का कोशिश किया है, लेकिन ऑपोजिट क्या हुआ है, 43,000 या 44,000 आप कह सकते हैं, और 73,000 का कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है, 43,000 इंक्लूड हुआ है कॉल साइड में, कॉल रेटिंग हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भारी है, इसीलिए क्लोजिंग एडजस्टमेंट में क्या देख रहा है मार्केट 17,585। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,585 मार्केट है। नीचे का लेवल का हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 24,000 में उसमें एडिशन 15,160 हुआ है, 10,500 तक मार्केट ऐड किया है, यहाँ पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है 17,500 में, थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर ये तोड़ दिया तो 17,450 में उतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 17,400 देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम बोले थे चार्ट में भी उधर तक जाने का चांसेस है, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 17,000 इंक्लूडेड है, ऐड हुआ है एडिशनल। ओके, 17,650 में वहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस वीक है, और उसको तोड़ के ऊपर चलने का कोशिश किया तो 65,000 कॉन्ट्रैक्ट जो खड़ा हुआ है उसमें 41,000 या 42,000 करीब करीब कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। ओके, उसके बाद हर स्टेप में आपको बिल्डिंग दिखाया है कॉल साइड में, और बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस यहाँ पे 81,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा करके 55,000 उसमें एडिशन हुआ है, वो है 17,800। आज भी मार्केट इसका करीब करीब जाके टूट नहीं पाया, छू भी नहीं सकता और नीचे चला गया, यही रीज़न है। ओके, सो मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, नीचे जाके ऊपर रिकवर भी हो सकता है, या गैप अप होके वहाँ से नीचे गिर सकता है, बहुत ज़्यादा सिनारियो बन रहा है। ग्लोबल मार्केट का संकेत क्या रहेगा उसके साथ आप जा सकता है निफ्टी में, और सीधा हम चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखते थे। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर आज चलना शुरू कर दिया निफ्टी का, जैसा बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया थोड़ा मार्केट, ऊपर नीचे करके यहाँ पे जो गैप जो बनाया था गैप को फिल कर दिया मार्केट ने। ओके, ये गैप फिल करके यही से सपोर्ट लेके एक नया हाई बना दिया, नया हाई सस्टेन नहीं किया, वहाँ से सेलिंग आया और मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये जो लेवल है। ओके, ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया और ऊपर नीचे कंसोलिडेट करके थोड़ा और नीचे जाने का कोशिश किया, लेकिन ये जो लेवल है, एक मिनट, ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट का थोड़ा सपोर्ट देके यही से ऊपर चला दिया, यानी 37,400 जो हम बात कर रहे थे, जो 37,400 एक ज़्यादा सपोर्ट बन के
मार्केट को ऊपर जाने का एक मौका दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 37,892, लेकिन एक्चुअल क्लोज किधर हुआ है 37,811। ओके, एडजस्टमेंट 80 पॉइंट्स तक हुआ है नीचे साइड। ओके, डाउन साइड में 80 पॉइंट्स एडजस्टमेंट हुआ है। अगर कोई कॉल खरीद के गया और सोचा कि 37,892 है, लेकिन एक्चुअली 37,811.95 37,812 आप मान सकते हैं, वो आपको मंडे गैप डाउन या गैप अप का देख के आपका कॉल या पुट जो होल्ड है उसको एग्जिट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न बन रहा है, ये इनवर्स कप एंड हैंडल का रिवर्स पैटर्न हम बोल सकते हैं। ओके, ये कप एंड हैंडल का रिवर्स पैटर्न हम बोल सकते हैं। ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है ठीक से। अगर यहाँ पे कुछ आ गया और यहाँ से ब्रेकआउट देने का कोशिश किया तो मार्केट फिर से ओके जो ये लेवल है, ये लेवल से ये लेवल तक आना चाहिए। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस करेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो सीधा अपसाइड रैली आज देखा था वैसा ही देख सकता है मार्केट में। अगर किसी भी कारण अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा और गैप डाउन के नीचे आपको इमीडिएट सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा यही। ओके, सुबह सुबह जो बाउंस किया था वही लेवल आपको सपोर्ट मिलेगा 710। ओके, 37,710 आपका सपोर्ट रहेगा। ओके, उसके बाद नीचे और भी नीचे आएगा तो 37,000 ये जो लेवल है 37,640 ये लेवल एक जोनल सपोर्ट आपको मिलेगा। 37,500 वो भी आपको सपोर्ट मिलेगा और ये लेवल जो सपोर्ट है ओके ये लेवल का सपोर्ट भी आपको मिलेगा 37,440 या 37,400 तक मैक्सिमम आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। अगर उससे भी नीचे चल रहा है तो ये लेवल में आपको मार्केट आता हुआ दिख जाएगा। ये लेवल है 37,210 to 230, उसको भी ब्रेक कर दिया तो 260 to 270 उसको भी ब्रेक कर दिया तो सीधा यहाँ पे 37,180 पर मार्केट आ सकते हैं 180 to 160। ओके, ऐसा मार्केट का डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होता है। आप भी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ वर्कशॉप में भी जुड़ सकते हैं। 3 दिन का वर्कशॉप रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, एक्सक्लूसिव आपको टीचिंग दिया जाता है। सीख के आप अपना आप काम कर सकते हैं। अगर कोई कॉल दिया आपको फ्री चैनल में तो उसको एनालाइज करके एंट्री ले या ना ले ये भी आप समझ सकते हैं ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और उसका लेवल से ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का क्या क्या बिल्डअप हुआ है ये भी हम देख के उसके बाद कोशिश करते हैं कि एक कंक्लूजन बनाना किस साइड में ये मार्केट जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में। सो यहाँ पे 37,800 एक एट दी मनी लेवल है, वहाँ पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 17,000 है। सो 50% से ज़्यादा यहाँ पे ऐड हुआ है। उससे नीचे कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं बन रहा है तो सीधा सपोर्ट चल के 39,000 कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे 12,000 करीब कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, 37,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल जो हम बताए थे। अगर यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट नहीं बन पाया, जो सोमवार की ट्रेडिंग रहता है मंडे वो बिगिन होता है मार्केट ओपन होकर 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट किधर और कैसा बिल्डअप हो रहा है आप देख लीजिए। ओके, उसके बाद डायरेक्शन आप पकड़ के मार्केट में काम कर सकता है। 11,600 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, यहाँ पे 44,500 तक कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है 37,000 में। सो सपोर्ट के बारे में बात किया तो थोड़ा वीक है सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बिल्डिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 37,900 में 10,400 है, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है, उसके बाद 56,000 कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं वो खड़ा हुआ है, 21,800 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। ओके, उसके बाद भी 17,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा हुआ है, वहाँ पे 13,300 ऐड हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप 37,900 और 38,100, 200 यहाँ पे सब आपको रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ कॉल साइड में राइटिंग होता हुआ दिखाई देगा। सो मार्केट उतना ज़्यादा आसान नहीं हुआ है, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। चार्ट या ऑप्शन चेंज कुछ भी आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। थोड़ा देख के ग्लोबल संकेत को मान के, जो क्रूड ऑयल का ट्रेड आज रात बंद होता है और डॉलर वर्सेस रुपी क्या होता है, यूएस मार्केट का क्लोजिंग का इम्पैक्ट, एसजीएक्स निफ्टी में क्या पड़ रहा है। सुबह सुबह सोमवार में आप उठ के एसजीएक्स निफ्टी देखा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डो जोन्स फ्यूचर्स, एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स, ये सब देख के किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है ये प्रेडिक्ट करके उस डायरेक्शन में आप मार्केट में काम करना है। नहीं तो अगेंस्ट द ट्रेंड आप जाओगे तो
वहाँ पे 95% चांसेस है आपका लॉस होने का। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम आपका प्यार विश्वास और प्रोत्साहन दीजिए। हम हिंदी बोलने का कोशिश करते हैं, बेंगलोर से है, साउथ से है, डेफिनेटली हमारा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा आपका जैसा, लेकिन बहुत कोशिश कर रहा है हमारा भी एक ब्रांड बनाने के लिए। हमारा जो स्किल्स है उसको पोर्ट्रेट करके आपको कुछ मदद करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। आपका प्यार और विश्वास और बड़ों का आशीर्वाद भी हमारा ऊपर रहे। ये बोलते हुए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को दूसरों को, आपका फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर करने के लिए बोलिए। आपका वैल्यूएबल कमेंट्स लिखिए नीचे। हमारा साथ आप काम करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है, वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकता है हमारा अंडर। अगर ज़ीरोधा अकाउंट आप ओपन कर सकता है तो वहाँ पे आपको एक साल का फ्री प्रीमियम ऑप्शन कॉल्स मिलेगा। ज़ीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये बोलते हुए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद।